नमस्कार। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर रिलीज से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। राजपूत और गुर्जर समाज के लोग इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं। अब राजस्थान में अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज के टीजर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस टीजर को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज ने एतराज जताया है। इससे पहले पद्मावत और जोधा अकबर जैसी फिल्मों को लेकर भी विवाद हो चुका है और अब इस फिल्म के रिलीज से पहले ही एक बार फिर बवाल होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल राजपूत और गुर्जर दोनों ही समाज के लोगों ने पृथ्वीराज को अपने अपने समाज का सम्राट बताया है और फिल्मकारों को चेताया है कि इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिहिर आर्मी संगठन के हिम्मत सिंह गुर्जर ने फिल्म को लेकर धमकी दी है। ट्विटर पर वो लिखते हैं, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म का ट्रेलर आ रहा है। मैं यशराज बैनर को बता देना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई तो अंजाम बुरा होगा। हम इतिहास बचाने की लड़ाई के लिए पहले से तैयार हैं। ये चेतावनी नहीं धमकी है। वहीं राजपूत समाज ने फिल्म के नाम और कई किरदारों को लेकर आपत्ति जताई है। राजपूत करणी सेना के नेता महिपाल सिंह मकराना ने फिल्म का टाइटल ना बदले जाने पर विरोध करने की बात कही और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, अंतिम क्षत्रिय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनने वाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है अक्षय कुमार के द्वारा। फिल्म का टाइटल केवल पृथ्वीराज जो कि इतने बड़े योद्धा के लिए कतई सम्मानजनक नहीं है। फिल्म में और क्या अपमानजनक है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइटल बदले नहीं तो विरोध होगा। दोनों समाज के लोग आखिर क्यों जता रहे हैं आपत्ति, अब ये भी जान लीजिए। गुर्जर समाज के लोग मानते हैं कि ये फिल्म कवि चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। साथ ही समाज ये भी मानता है कि चंद बरदाई सम्राट के दरबार में कवि थे, इसीलिए उन्होंने राजा के बारे में जो वर्णन किया है वो बहुत ही काल्पनिक है। इस आधार पर समाज मानता है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ जरूर हुई होगी। बता दें अक्षय कुमार की इस फिल्म को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने किया है जो कि यशराज फिल्म्स के मालिक हैं। फिल्म में अक्षय के साथ मानुषी छिल्लर भी नजर आएंगी जो कि इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है। वहीं फिल्म में संजय दत्त नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा फिल्म में सोनू सूद भी नजर आई है। यह फिल्म अगले साल 21 जनवरी को रिलीज होगी। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय की फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी अक्षय की पृथ्वीराज को लेकर शुरू हुआ ये विवाद खत्म होता है या फिर से इसे और हवा मिलती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।